ये जबला आदि मंडी है, ये जबा, ये सिद्धान है जी, और ये खालिस पोटले की है नाजरीन। चाकने के घर से पोटले का गोश्त लिया जाता है और इसे बिल्कुल एहतमाम के साथ तमाम बातों को मलहूल रखते हुए तैयार किया जाता है। तो हमने शेरवा नान चख लिया, चूर कर भी हमने चख लिया, अब हम बोटी का जायका देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है ए जे चैनल में। नाज़रीन हम पहुंच गए हैं तकनी लजीज चाकना के पास, जो कि मुगलपुरे में वाक़ है। हम इस दुकान का मुशाहिदा करेंगे, खुद भी खाएंगे और अपनी राय से अपने मुखलिस नाज़रीन को आगाह करेंगे, लोगों से भी हम रिव्यू लेंगे। तो जुड़े रहिएगा तकनी लजीज चाकना और उसके जायके के साथ और ए जे चैनल के साथ। देखिए बिल्कुल अभी अभी तैयार हुआ है चाकना, क्योंकि जोहर का वक्त होकर कुछ अरसा। जी 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 बिल्कुल निस्फ आधी जी, बिल्कुल आधी मंडी है। बोटी, जबान, सुल्तान और आदि मंडी है, चार आइटम है। तो जी जी हम अंदर दाखिल होते हैं। वालिद और फरजंदे अर्जुमन विराजमान हैं। देयर इज एन अटैचमेंट ऑफ डैड एंड सन विद दिस स्पाइसी चाकना। तो इनके वालिद जैसा टेस्ट देते थे, मैंने भी ऐसे ही टेस्ट दे रहे हैं। हम हर इतवार को तो मैं खिलाता हूँ, मेरे बच्चों को खिलाता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ है। कैसा है इसका टेस्ट? अरे वाह, आपके वालिद साहब ने जो रिवायत कायम की थी बचपन की, आज भी आप अपनी रिवायत बरकरार रखे हैं, बहुत खुशी की बात है। वेरी नाइस टू सी। चाकना है, बोटी है। अरे वाह, और साथ में नान भी है। कैसा है इसका टेस्ट? अच्छा है। यह है दखनी लजीज चाकना। तो लोकेशन देखना हो तो नाजीन, अगर आप यहाँ ठहरे हुए हैं और अगर आप सीधे हाथ पर जाते हैं तो फिर मोहनपुरा टैंक, पानी की टाँकी आती है, और अगर इधर बाएँ जाने जाते हैं तो फिर आती है मुगलपुरा कमान। तो कमान और टैंक बीच में है चाकना या फिर तकनी लजीज चाकना। मैं शेरवा रोटी खा रहा हूँ, जबान खाना था नहीं मिली जबान। जी सर, चाकना यहाँ का जबड़ा, जबान, बोटी, सिरदान सब जबरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। कब से खाते हैं आप? मैं 10 साल से खा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है, मशहूर है यहाँ मुगलपुरे का चाकना। जिस दिन यहाँ पर लोग बैठ कर पुरसकून अंदाज में खा रहे हैं, रवि की सहूलत भी है, लोग पार्सल ले जाकर शौक से खाते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन का खास ख्याल रखा गया है और पैक भी देख सकते हैं कितना शानदार है, देखते ही भूख खुल जाती है। सफाई और नीटनेस का खास एहतमाम है। नाज़रीन हमारे सामने दखनी लजीज चाकना के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। हमारी दुकान 1975 से अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के तहत से 1975 से आप लोग की खिदमत में खिदमत करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 47 ईयर्स हो चुका है हमारे पास दखनी लजीज चाकना, मोल का नियर बड़ा झंडा हमारा एड्रेस है। जोहर के बाद नमाज़ जोहर सवा 1 तक रेडी हो जाता है,
शाम में कभी 5 बजे भी ख़त्म हो जाता है, कभी 8 बजे तक भी रहता है। कुछ भी आइटम लेंगे आप 100 रुपीज़ का जी हो, सिद्धांत, जबान, जबड़ा, बोटी, कुछ भी लेंगे आप 100 रुपये। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, लजीज दकनी चाकना का आज हम देखने जा रहे हैं जायका। तो यहाँ दो अनासर है नाज़रीन, एक है दकन और दूसरा लजीज या लज्जत। तो दक्कन और लज्जत का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है, क्योंकि जो भी दक्कनी डिश बनती है यकीनन वो जबान को जायके से हमकनार करती है। तो दो फैक्टर्स हैं, एक दक्कनी, दूसरा लजीज। अब इसके लज्जत कितनी है, क्या है, ये हम देखते हैं, क्योंकि नाज़रीन ये बहुत ही पुरानी, बहुत ही मशहूर दुकान है और यहाँ पर बड़े अहतमाम के साथ चाकना बनाया जाता है। तो हम देखते हैं और देखिए, ये है नान और इसमें है बोटी, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार, और इसमें से निकल रही है भाप बिल्कुल गर्मा गर्म। तो नाज़रीन कहते हैं कि चाकना को जब से लोगों में रोशनास या फिर इल्म हुआ इस बात का, हर कोई लगा है इसे ताकना, मतलब ताक कर उस पर नज़र रख कर खाने की जो कोशिश होती है वो है चाकना। तो कहने का मतलब इसका जायका बहुत ही हमगीर है, द टेस्ट इज वेरी फंटास्टिक एंड वंस यू ईट इट नेचुरली यू विल कम अगेन एंड अगेन, बिकॉज द स्पाइसेस, द टेस्ट एंड ऑफ कोर्स द मेकिंग विल कैच यू। शिद्दत की भूख लग रही हो तो भी आप चाकना खाएं तो फिर आप बिल्कुल सैर हो जाते हैं। तो नाज़रीन देखिए, चाबुक दस्ती के साथ हम इसे शेरवी जो इसमें है, इसमें ग्रेवी, इसको चखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इसमें मसाले का ऐसा जायका आ रहा है जो सिर्फ चाकना में ही मिल सकता है, लेकिन ये जायका बिल्कुल बतौर खास चाकना का है और खाते ही यकीनन जबान बिल्कुल झूमने लगी है और जायका बोलने लगा है। अब हम थोड़ा इसमें चूरते हैं नाज़रीन, अगर पटके चूर हो तो भी आ सकते हैं और रोटी चूर कर खा सकते हैं, दूर हो तो भी आ सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब फासला या फिर थकन, ये तमाम चीज़ें रैली बनती हैं जब डोमिनेट करता है चाकना का फैक्टर। तो नाज़रीन अब तो बिल्कुल नान बिल्कुल भीग सी गई है और इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट किस तरह हम देख सकते हैं। नाज़रीन चूर के खाने का भी एक मज़ा है, चूर के खाने का मज़ा है, लेकिन अंदाज कुछ भी हो जायका तो बिल्कुल चौमुखा है, इस बात की हम जमानत दे सकते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। अब हम नाज़रीन बोटी का जायका देखते हैं। ये देखिए नाज़रीन, बिल्कुल गर्मा गर्म और अंदर से निकल रही है भाप। और जब हम इस बात को देखते हैं, बहुत मसालेदार होता है या फिर बहुत ही हार्ड होता है, ये सब बातें भाप बनकर उड़ जाती हैं, लेकिन बोटी सबसे मुकम्मल, सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार गिज़ा है। तो नाज़रीन नान के साथ अब हम बोटी देखिए कितनी शानदार। नाज़रीन इतनी शानदार है और इतनी गली भी है बोटी, मुलायम है, देखिए आप मस्के की तरह मुंह में डालो तो बिल्कुल चले जा रही है। ये इस बात को बता दिया कि गोश्त बहुत ही उम्दा है और पकवान बहुत ही सुथरा है और इसकी तैयारी और बनावट में खास किस्म का उनसर शामिल है। तो बहुत ही उम्दा चाकना, ऐसा चाकना कि बस जिसको खाने की गर्ज से आप बार बार आ सकते हैं, मुगलपुरा और बिल्कुल खलबे शहर में वाकते हैं और खा सकते हैं। हम एक और जायका लेते हैं, हम खाली बोटी भी खाते हैं, जब तक हमने नान के साथ इसको अकोमोडेट किया है, हम खाली वाओ, एनीवन कैन टेक अटेंशन एंड कम टू मुगलपुरा एंड हैव दिस चाकना एट दकनी लजीज चाकना विच इज रियली अमेजिंग एंड टेम्प्टिंग। तो नाज़रीन इस तरह दकनी लजीज चाकना का व्लॉग खत्म होता है। नाज़रीन हमने दुकान का मुशाहिदा किया और यहाँ का चाकना भी हमने खाया जो कि बहुत ही लजीज है और लोगों का भी रिव्यू लिया जो यहाँ खाने आए थे और बहुत सारी बातों को अहाता करने की कोशिश की। तो आपसे गुजारिश है, हमारे मुखलिस नाज़रीन से,
जो लोग पहली बार AJ चैनल देख रहे हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन हर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़। गॉड।